वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की, और ये पावर पॉइंट का मेरा पहला वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे कुछ बेसिक्स। तो चलिए सबसे पहले पावर पॉइंट को चालू कैसे करते हैं। तो रन में आप लिखेंगे पावर, POWER पावर, PNT, गो करेंगे तो आपका पावर पॉइंट खुलेगा। ये मेरा ऑफिस एक्टिवेट नहीं है, इसलिए ये मैसेज शो कर रहा है। ये पावर पॉइंट खुलेगा, कुछ फाइल जो मेरे पास पहले से हैं उसका जो ओपन की गई है उसका नाम दिखा रहा है। ये फर्स्ट स्क्रीन है जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने की बात कर रहा है, और बाकी यहाँ पे ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये टेम्पलेट है। और इसके अलावा और भी कुछ टेम्पलेट यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, जैसे प्रेजेंटेशन, थीम, एजुकेशन, चार्ट, डायग्राम, बिजनेस, इंफोग्राफिक्स, या और भी कुछ आप सर्च कर सकते हैं, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम। तो हम यहाँ से ब्लैंक चूज़ करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और ये मेरा ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे हमने नोटपैड खोला, और नोटपैड में हमने बताया कि जैसे वर्ड है, वर्ड जैसे हमने बोला कि जो सॉफ्टवेयर है या एमएस ऑफिस का पैकेज जो है, जो हमारा पैकेज है, तो पैकेज पैकेज में हमने स्पेस देके यहाँ पे लिखा फाइल, और फिर स्पेस दिया, और यहाँ पे हमने लिखा पेज। यहाँ पे पैकेज के अंदर जैसे वर्ड है, तो वर्ड जो है इसका जो फाइल है उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और ये जो पेज है उसको हम पेज ही बोलते हैं। एमएस वर्ड में जो आपका फाइल बनाते हैं उस पूरे फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और उसमें जितने भी पेज होते हैं उसको हम पेज बोलते हैं। अगर हम यही बात एक्सेल में करें तो एक्सेल में इसको हम वर्कबुक बोलते हैं, वर्क बुक, या इसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। यहाँ से हम इंटर मार के आगे लिख के दिखाते हैं, वर्कबुक या स्प्रेडशीट बोलते हैं। और ये चीज़ पेज जो है इसको हम सीट बोलते हैं, और कभी कभी हम इसको बुक भी बोलते हैं, बुक। नेक्स्ट जो हमारा है अभी जो हम इसमें पढ़ेंगे उसका नाम है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ये भी ऑफिस का पैकेज है जिसके पेज को हम प्रेजेंटेशन फाइल को प्रेजेंटेशन पेज उसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो आज इसके बारे में बात करेंगे, पावर पॉइंट के बारे में। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये जनरल छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और ये जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज करेंगे तो कुछ स्क्रीन ऐसा क्लियर होगा। ये जो हम ऑफिस यूज़ कर रहे हैं ये 16 है, 2016। यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 16, जिसको एक्टिवेट हमने नहीं किया है अभी, और ये 16 है। इसमें ये मेरा पहला स्लाइड है जो आपको व्यू के माध्यम से यहाँ दिखाई दे रहा है। इस व्यू को हम यहाँ से देखते हैं, नॉर्मल पे है, आउटलाइन होता तो कुछ ऐसा दिखाई देता, शॉर्टर होता तो एक ही स्लाइड है ऐसा दिखता, लेकिन हमने इसको जनरली जो आपका पावर पॉइंट चालू होता है तो नॉर्मल व्यू पे दिखाई देता है, प्रेजेंटेशन व्यू। अपने होम में है और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये मेरा पहला स्लाइड है, मतलब कि हम
प्रेजेंटेशन देंगे, सामने बताएंगे कुछ टॉपिक को और उस टॉपिक को कई भागों में, कई हिस्सों में छोटा छोटा डिवाइड करके हम अपनी बात को कहने की कोशिश करते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। पावर पॉइंट में सबसे पहले हम जब ओपन करते हैं तो मेरा ये सिंगल स्लाइड ओपन होता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरा स्लाइड आगे की तरफ चलता जाएगा। जैसे हमने पहला जो है वो पेज बनाया, उस पेज का नाम हमने लिखा पावर पॉइंट जो भी हो 16 है, और ये मेरा टाइटल था, ये मेरा सब टाइटल है। तो उससे छोटा टाइटल जो है वो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमने सब टाइटल डाला माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2016। तो ये मेरा सब टाइटल हो गया, ये टाइटल है। अगर हमको और स्लाइड लेना है तो अपने होम टैब में यहाँ पे आपको न्यू दिखेगा। अगर हमने डायरेक्ट न्यू पे क्लिक किया तो अपने हिसाब से स्लाइड में ये लेआउट जो प्लेस होल्डर है टेक्स्ट का, टेक्स्ट लिखने के लिए क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। जैसे अगर आपका हम यूज़ करते हैं, अपलाइन लेते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है इसमें भी क्लिक टू ऐड टाइटल, ये प्लेस होल्डर है, ये लेआउट है पेज का कि उसमें कैसा लिखेगा। इस पेज को बंद करते हैं। ये मेरा तो इसके अंदर दो प्लेस होल्डर था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये लेआउट आप बदल सकते हैं, जैसे इसके अंदर ये लेआउट है। जब आप न्यू लेते हैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है सेकंड में, लेकिन जब आप चूज़ करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन के साथ तो यहाँ पे लेआउट भी दिखाई देता है कि आपको किस प्रकार का नया प्रेजेंटेशन चाहिए, उसका लेआउट क्या होगा। और ये 9 प्रकार का लेआउट है पावर पॉइंट के अंदर में, चाहे आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो उन सब में ये 9 प्रकार का आपको लेआउट दिखाई देगा। सबसे पहले टाइटल है जो हेडिंग होता है आपका प्रेजेंटेशन का, उसके बाद है टाइटल एंड कंटेंट्स, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, तो पिक्चर के साथ उसके बारे में कुछ डिटेल, कंटेंट के साथ कुछ कैप्शन, कुछ कंटेंट डालेंगे, ब्लैंक आप ले सकते हैं अपने स्लाइड को, टाइटल डाल सकते हैं खाली, कंपैरिजन कर सकते हैं दो चीज़ों के बीच में, या टू कंटेंट ले सकते हैं, सेक्शन हेडर है और टाइटल एंड कंटेंट है और टाइटल स्लाइड है। तो हमने पहला जो लिया है वो टाइटल स्लाइड लिया है और सेकंड वाला जो है अभी आपको जो दिखाई दे रहा है वो है टाइटल एंड कंटेंट। तो यहाँ पे टाइटल डालना है, यहाँ पे कंटेंट डालना है। अगर हम यहाँ से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो नया स्लाइड ऐड होगा, क्योंकि ये न्यू का ऑप्शन है तो हमको अगर नया नहीं चाहिए तो इसमें राइट क्लिक करके इसके ऊपर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, या डिलीट बटन से आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको इसका लेआउट बदलना है तो लेआउट में जाके, और अभी आप देखते हैं कि टाइटल एंड कंटेंट पे टिक लगा हुआ है, इसको अगर हमने टू कंटेंट किया तो ये टू कंटेंट में डिवाइड होगा, अगर हमने इसको ब्लैंक किया तो ये ब्लैंक हो जाएगा, अगर हमने इसको सेक्शन हेडर किया तो ये सेक्शन हेडर होगा। जैसा भी आपको लेआउट चाहिए वैसा आप लेआउट ले सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम ये लिए, ये हमने टू कंटेंट लिया है, अब यहाँ पे हम कुछ डाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लेआउट में नॉर्मल लगते हैं टाइटल विद कंटेंट तो नॉर्मल है। जैसे अगर हमको बताना है अबाउट पावर पॉइंट, अबाउट पावर पॉइंट हेडिंग तो हमने पावर पॉइंट दे रखा है, तो इसमें अबाउट क्या, इसके बारे में, तो व्हाट इज़ पावर पॉइंट, क्या है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट का एक डेफिनेशन कॉपी करके हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमने गूगल में लिखा व्हाट इज पावर पॉइंट, तो इसके अंदर कुछ पावर पॉइंट के बारे में डेफिनेशन होगा वो दिखाई देगा।
एमएस पावर पॉइंट, जैसे यहाँ से हमने एक छोटा सा कंटेंट को कॉपी किया और इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने पावर पॉइंट में आके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, अगर और साइज बढ़ाना है तो और साइज बढ़ा सकते हैं जितना अच्छा लगे। और इसमें जो डेफिनेशन आया है इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये फुल स्टॉप दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड यूज़र विद एन इंटरफेस टू डिज़ाइन मल्टीमीडिया। इंटरफेस का मतलब होता है कि GUI, मतलब कैसा चलेगा, टू डिज़ाइन मल्टीमीडिया स्लाइड टू बी डिस्प्ले। स्लाइड का मतलब कि अलग अलग पेज, डिस्प्ले ऑन प्रोजेक्शन सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर। द सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट्स इमेज, साउंड, वीडियो, टेक्स्ट एंड चार्ट टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। और पावर पॉइंट के माध्यम से हम एक अच्छा एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सामने वाले को कोई बात अपनी बतानी हो तो उसको कितने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उतना अच्छा तरीका से आप इसमें प्रेजेंट कर पाते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट हम स्लाइड लेते हैं। इस पे नया स्लाइड लेने के लिए या तो आप न्यू जाके ले सकते हैं या इसका शॉर्टकट की यहाँ पे आपको दिखाई देता है Ctrl+M, या तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने स्लाइड के ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंटर बटन मारें तो वो आपको एक नया स्लाइड ऐड करके दिखाएगा। यहाँ पे लेआउट जो आया है इस लेआउट को आप अपने मन से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस लेआउट में दो प्लेस होल्डर है जिसमें क्लिक टू ऐड टाइटल और दूसरा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। क्लिक टू ऐड टेक्स्ट में ये छह ऑप्शन दिखाई देता है आपको। सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। यहाँ पे अगर आप टेबल लेना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक टेबल लिया, हेडिंग डाला टेबल, और कंटेंट में ये टेबल का ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, जो आपको इंसर्ट बटन में दिखाई देगा टेबल पे। वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं और इसको बताते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए और नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, तो हमने 5-5 अगर किया और ओके किया तो टेबल डिजाइन करेगा और इस टेबल को यहाँ के डिज़ाइन से हम चेंज कर सकते हैं कि हमको इस टाइप का टेबल चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और चार नंबर का, इस पर क्लिक करके हमने इंटर प्रेस किया तो ये चार नंबर का स्लाइड है और इसमें हम चार्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो इसका ग्राफिक जो है वो बहुत ही अच्छा है। हमने चार्ट पे क्लिक किया और यहाँ से आपको चूज करना है कि चार्ट जो है कैसा चाहिए। अगर हमने ये चार्ट लेना है, ओके करेंगे तो उस चार्ट को यहाँ पे बना के दिखाएगा डायरेक्ट एक्सेल से लिंक करके। देखो एक्सेल के फाइल को ओपन करके यहाँ पे ग्राफिक बनाया है। एक्सेल को क्लोज कर देते हैं तो हमारा पावर पॉइंट में वो ग्राफिक चार्ट जो है वो बन के दिखाई देगा। तो इसका ये अच्छा है। उसके बाद हमने एक और पेज ऐड किया और इसमें स्मार्ट आर्ट लेने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ये जो भी ऑप्शन यहाँ पे छह ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सारे ऑप्शन इंसर्ट में हैं, चाहे टेबल हो, चाहे चार्ट हो, पिक्चर हो, ऑनलाइन पिक्चर हो या ऑनलाइन वीडियो हो। यहाँ पे वीडियो के अंदर ऑनलाइन वीडियो है तो यहाँ पे, और स्मार्ट आर्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्मार्ट आर्ट अगर हमको चाहिए तो इस पर क्लिक करके, और अलग अलग है, ऑल मतलब जितना स्मार्ट आर्ट है सब एक साथ, लिस्ट वाला जो भी स्मार्ट आर्ट है वो, प्रोसेस, साइकिल, तो यहाँ से हम कोई भी एक स्मार्ट आर्ट लेते हैं और यहाँ से इसको हम ऐसा सेलेक्ट करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हमने पूरा सेलेक्ट किया, सॉरी पूरा यहाँ पे क्लिक करके और इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक ही सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ से हम इसका ग्राफिक जो है वो बदल सकते हैं।
यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कि हमको जो स्मार्ट आर्ट है वो किस टाइप का चाहिए, या स्मार्ट आर्ट को हम ऐसे बदल सकते हैं कि ऐसा चाहिए। नेक्स्ट अगर इसमें और भी शेप ऐड करना है तो ऐड शेप कर सकते हैं, तो नया शेप आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है, एक और स्लाइड ऐड करते हैं और इस स्लाइड में आपको पिक्चर लेके दिखाते हैं, पिक्चर मतलब फोटो, और यहाँ से आप डायरेक्ट पिक्चर ले सकते हैं। यहाँ पे सैंपल कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास, ये इंसर्ट, तो ये पिक्चर आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो भी है इसमें, अगर हम ऑनलाइन पिक्चर लेंगे तो ऑनलाइन पे क्लिक किया तो नेट से कनेक्ट करेगा आपके कंप्यूटर में, अगर नेट है तो ये चलेगा, नेट नहीं है तो नहीं काम करेगा। जैसे हमने नेट में यहाँ पे कंप्यूटर या पावर पॉइंट लिख के देखते हैं, पावर पॉइंट गो, तो ये कुछ पावर पॉइंट का फाइल आपको दिखाई देगा। जैसे हमको ये फाइल चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कराया, तो ये फाइल इंसर्ट हो जाएगा। अभी हमने जो प्रेजेंटेशन लिया, सबसे पहले हमने पावर पॉइंट को ओपन किया, उसके अंदर ये स्लाइड इंसर्ट किया। स्लाइड इंसर्ट करने के बाद हमने उसका लेआउट बदलने की कोशिश किया, जो प्लेस होल्डर है उसको चेंज किया। उसके बाद हम जो इसको प्ले करते हैं, प्ले करने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग या F5, इसको ये वाला जो है क्विक एक्सेस टूल बार में सभी ऑफिस के वर्जन में नहीं दिखाई देता है, तो ये वाला जो मेन्यू है, टैब है, ये सब ऑफिस में है। जैसे अगर आप 7 यूज़ करते हैं तो 7 में भी स्लाइड शो नाम का एक मेन्यू है, टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा फ्रॉम बिगनिंग, ये स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो प्ले हो जाएगा। तो पहले स्लाइड में मेरा ये है, अगर हम क्लिक करते हैं तो सेकंड जो मेरा स्लाइड है उसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड सीन में वो आएगा, फिर हम क्लिक करेंगे तो थर्ड सीन में हमने टेबल लिया था, फिर क्लिक किया तो चार्ट है, फोर्थ सीन में, फिफ्थ में मेरा ये स्मार्ट आर्ट है, सिक्स में पिक्चर है, और क्लिक किया 7 में एक पिक्चर और है, और ये ख़त्म हो गया। ये अच्छा माध्यम है बताने का, प्रेजेंटेशन देने का, ये मेरा हेडिंग है और ये जो चीज़ है यहाँ पे जब हम सामने वाले को बताते हैं तो यहाँ से पावर पॉइंट में स्लाइड प्ले करने के बाद आपको नीचे पेन का ऑप्शन दिखाई देता है या हाइलाइटर है, जिससे कि आप अपनी बातों को कहते हुए हाईलाइट करते हुए जा सकते हैं कि आपने ये बोला या कोई टॉपिक है जिसको आप ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और जब आप बाहर निकलेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कि क्या इसको रोकना है या इससे बाहर निकलना है। यहाँ से स्केप करते हैं, स्केप बटन दबाने से यहाँ पे बोला है कि वांट टू कीप यू योर इंक एनोटेशन, अगर आप रखना चाहते हैं तो वो हाईलाइट रहेगा, और डिस्कार्ड करेंगे तो हाईलाइट हट जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट हट गया है। एक बार और प्ले करते हैं F5 से, नेक्स्ट करके यहाँ से अगर हमने फिर से हाइलाइटर लिया और हाईलाइट किया और स्केप बटन दबाते हैं तो यहाँ अगर हमने कीप कहा तो इसमें आप देखेंगे कि वो चीज़ हाईलाइट रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने आज के इस वीडियो में ये सीखा कि कैसे स्लाइड लेते हैं, स्लाइड का लेआउट कैसे बदलते हैं, उसमें टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है, और उसको कैसे हम स्लाइड शो करते हैं, कैसे प्ले करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।